हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अश्वमेध विद्यालय. माई सेल्फ सुरेखा पटेल एंड विल कंटिन्यू अवर चैप्टर चैप्टर नंबर 10. स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द टू स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्फीयर ऑफ द अर्थ, दैट इज द एटमोस्फीयर. हाउ टू क्रिएट एटमोस्फीयर ऑन द अर्थ. The earth is surrounded by a layer of grass up to the approximate height of 852,000 km. The layer of the various gases is called atmosphere. हमारे अर्थ के ऊपर आजू बाजू अलग अलग गैस की लेयर होती है. ये जो गैस की लेयर होती है, इसकी जो हाइट होती है approximately 850 से लेके 1000 किलोमीटर तक की होती है. देयर लेयर ऑफ द वेरियस गैसेस इज कॉल्ड एटमोस्फियर. और ये जो अलग अलग गैसेस की जो लेयर है उसको क्या कहा जाएगा, एटमोस्फियर. द लेयर ऑफ द वेरियस गैसेस इज कॉल्ड एटमोस्फियर. द एटमोस्फियर कैन नॉट बी सीन विद द नेक आई. ये एटमोस्फियर जो है हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते हैं. वेरियस गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स, salt particles and even microorganisms, insect are mixed with the atmosphere. अभी atmosphere कैसे बनता है हम लोगों को ये तो पता चल गया है कि environment के अंदर earth के ऊपर जो gases का layer होता है उसको atmosphere क्या कहा जाता है. लेकिन ये atmosphere कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है. तो पहली बात तो ये atmosphere को हम लोग खुली आँख से नहीं देखते, जिसके हमारे आजू बाजू जो atmosphere का creation है हम लोगों को नहीं दिखता है. लेकिन उसके अंदर ये जो एटमोसफेयर हमारे सराउंडेड है उसके अंदर बहुत सारे गैसेस, वाटर वेपर्स, गर्म पानी की जो भाप होती है वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे, पार्टिकल ऑफ एस्ट्रॉइड्स, सॉल्ट पार्टिकल्स और इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ये भी मिक्स होके जो लेयर क्रिएट होता है इट इज अ मिक्स विथ द एटमोसफियर. उसको क्या कहा जाएगा, एटमोसफियर कहा जाएगा. तो इस तरह जो है एटमोसफियर का जो लेयर है वो क्रिएट होता है. एटमोसफियर इज कलरलेस, उसको कलर नहीं है, और ऑडरलेस एंड टेस्टलेस, वो उसकी स्मेल भी नहीं है और टेस्ट भी नहीं है, एज वेल एज अ ट्रांसपेरेंट. ये ट्रांसपेरेंट है. एटमोसफियर कंप्राइज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मैटर्स. मेजर गैस इन एटमोसफियर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन. जो गैसेस एटमोसफियर क्रिएट करता है उसके अंदर ये सारे गैसेस जो है वो इंक्लूड है. द एटमोसफियर नियर द अर्थ सरफेस इज डेंस. अर्थ सरफेस के ऊपर जो एटमोसफियर है नज़दीक है वो डेंस एरिया में पाया जाता है. अभी यहाँ पे हम लोगों को रेशियो दिया है कि एनवायरनमेंट के अंदर जो गैसेस है वो गैसेस में कौन से गैस की मात्रा कितनी है कि जिससे वो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है. तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 0.03% एंड अदर गैसेस दैट इज 0.01%. हियर वी हैव टू बी सी द पाई चार्ट ऑफ गिवन हियर. द एग्जाम फाइल दैट कि इन द एटमोसफियर मोस्टली नाइट्रोजन गैस इज मोर, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा 20.99% है. तो इस तरह जो है एटमोसफियर के अंदर जो गैसेज हैं उसके मेजर जो रेशियो है वो बताया गया है. एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस रेशियो ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेज इन द एटमोसफियर डिक्रीजेज. जैसे ही हम लोग अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे, मतलब ऊपर के पार्ट में हिल एरिया में, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस है उसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी. सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवी गैस, इट इज डेंस इन द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द एयर एंड डिक्रीज इन द अबोव स्ट्रेटा. कार्बन डाइऑक्साइड जो हैवी गैस है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है, हैवी है. इट इज डेंस इन द लोअर स्ट्रेटा, लोअर स्ट्रेटा में ज्यादा रहता है ऑफ द एयर, और डिक्रीज इन द अबोव स्ट्रेटा, ऊपर के पार्ट में, ऊपर लेयर में स्ट्रेटा, यानी जो लेयर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो, तो ये जो लेयर में है वो कम रहता है. द
The presence of carbon dioxide after the height of about 20 km, oxygen after the height of 110 km and nitrogen after the approximate height of 130 km is seen decrease. जो जैसे हम लोग अर्थ सरफेस की प्रेजेंस से 20 किलोमीटर की ऊपर की हाइट में जाएंगे तो ऑक्सीजन जो है वो 110 किलोमीटर, नाइट्रोजन जो है 130 किलोमीटर जो है डिक्रीज होगा. एट हाई अल्टीट्यूड देयर आर ओनली लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम. हाइड्रोजन और हीलियम की जो मात्रा है वही हम लोगों को ज़्यादा दिखेगी. जैसे यहाँ पे हम लोगों को दिया है कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे, जीरो के हाइट ऑफ गैसेस इन एटमोसफियर, तो ये जीरो अदर गैसेस है, ये जीरो किलोमीटर से हम लोग जाएंगे, तो जैसे जैसे हम लोग अप जाएंगे 20 किलोमीटर तक नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो, और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो धीरे धीरे दैट शुड बी अ डिक्रीज, कम होने लगेगी. The ratio of ozone gas in the atmosphere is very less. This gas absorbs ultraviolet ray of the sun and protect the planet from the excessive heat of earth. Ozone gas की जो proportion है वो environment के अंदर बहुत ही कम है, और ये जो gas है वो useful भी है कि sun rays में जो ultraviolet ray जो आती है heating waves, उससे हम लोगों को earth को ये protect करने में मदद करता है. This gas mostly prevails in the open ground at the time of early morning. ये जो है हम लोगों को open ground के अंदर early morning में open ground के अंदर जो है रहेगा. In the same way, its ratio is more in air around the seashore. Seashore के नज़दीक में जो area है वहाँ पे जो है इसका proportion ज़्यादा रहेगा. That is why people go for morning walks in such place because ozone is a healthier gas. और जिसके वजह से we have to see that कि पार्क के अंदर या सीशोर के अंदर बीच के ऊपर लोग चलने के लिए जाते हैं वॉकिंग के लिए, तो इसलिए कि ये जो गैस है वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है. यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, why do mountaineers carry oxygen bottle while climbing a mountain? Mountain climbing के दौरान जो है ऑक्सीजन की बॉटल साथ में लेके जाते हैं माउंटेनियर्स, क्यों? तो जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे 20 किलोमीटर से ज़्यादा, तो उसका जो प्रोपोर्शन का रेशियो है वो डिक्रीज होने लगेगा, कम होने लगेगा, और जिसके वजह से जो है ऊपर हम लोगों को ऑक्सीजन गैस मिलने वाला नहीं है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, और जिसके वजह से जो माउंटेनियर्स है वो माउंटेन क्लाइंबिंग करने के टाइम ऑक्सीजन की बॉटल्स जो है वो साथ में लेके जाते हैं. ड्यू टू द वेरियस पार्टिकल्स इन द एटमोसफियर सनलाइट इज सीन स्प्रेडिंग ऑन द अर्थ. स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से सनलाइट जो है वो स्प्रेड हो जाती है. इट डज नॉट बिकम अ डार्क और ब्राइट सडनली, जिसकी वजह से तुरंत ही डार्क नहीं हो जाता है. आप लोग देखने का इवनिंग टाइम में धीरे धीरे डार्कनेस होती है, और उसी तरह अर्ली मॉर्निंग में एक ही साथ ब्राइटनेस नहीं आ जाती है, धीरे 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 जो है डॉन कंप्लीट डॉन डाउन होने के बाद निकल जाने के बाद जो है वो ब्राइटनेस अर्थ के ऊपर दिखती है. स्काई कलर ऑफ डोन बिफोर सनराइज एंड डस्क आफ्टर सनसेट. मैंने जैसे बताया कि स्काई का कलर जो है वो डोन धीरे धीरे सनराइज होने के बाद डोन दिखता है हम लोगों को जो मॉर्निंग टाइमिंग होता है वो, और जैसे सनसेट के टाइम डस्क धीरे धीरे डाउन होने लगता है आर बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, और ये डस्ट पार्टिकल की वजह से है. द रेज आर रिफ्लेक्ट दो द डस्ट पार्टिकल एंड वी गेट सनलाइट. ये जो रे है वो डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा रिफ्लेक्ट होते हैं और जिसके वजह से सनलाइट हम लोगों को मिलती है. साउंड कैन बी हियर्ड विद द मीडियम ऑफ एटमोसफियर. साउंड सुनने के लिए भी एटमोसफियर जरूरी है, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट, ये सारी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए ये एटमोसफियर जो है क्लीन होना चाहिए. जैसे कि आप लोग टीवी चैनल पकड़ लो कि रेनी सीजन के अंदर अगर मानो कि एटमोसफियर एकदम क्लीन नहीं है तो आपकी टीवी का जो नेटवर्क है वो क्लीन नहीं मिलेगा, आप लोगों को जुड़ेगा नहीं, तो वीक सिग्नल या नो सिग्नल क्रिएट करेगा. तो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर, ये जो है एटमोसफियर पर डिपेंड करता है. द एटमोसफियर शुड बी क्लीन एंड एयरी देन द सिग्नल शुड बी गेट द मोर पावरफुल. द वेव्स ऑफ साउंड एंड लाइट आर रिफ्लेक्ट इन द एटमोसफियर आर एंड रिटर्न्स ऑफ द अर्थ सरफेस.
सो द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन बिकम अ पॉसिबल. क्या होती है, वेव्स ऑफ साउंड और लाइट जो है एटमोसफियर की वो रिटर्न टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस की और रिटर्न होती है, और जिसके वजह से रेडियो और टेलीविजन की जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल होती है. हेवनली ऑब्जेक्ट सच एज अ मेटोराइट्स बर्न ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एटमोसफियर एंड गेट डैमेज. समटाइम्स होती है कि जो मेटेरियल्स जो प्लैनेट में से क्रिएट होती है टूटती है, और जिसके वजह से ये एटमोसफेयर की जो फ्रिक्शन है या उसकी पॉसिबिलिटी है वो डैमेज होती है. दस एटमोसफेयर प्रूव अ नेचुरल शील्ड फॉर द अर्थ. जो क्रिएट करता है कि जो एटमोसफेयर है वो नेचुरल शील्ड है. अगर आपका एटमोसफेयर अच्छा है, क्लीन है, तो सभी तरीके से आप लोग जैसे कि ये टेलीविजन या रेडियो ब्रॉडकास्ट में, लेकिन हेल्दी हेल्थ के लिए भी ये ज़रूरी है. तो ये नेचुरल शील्ड जो है, अर्थ का नेचुरल शील्ड जो है माना जाता है. थैंक यू.